वेलकम टू स्मार्ट किड्स, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग लेसन वीडियोस। हेलो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन इन क्लास 5 प्रॉब्लम सेट 14 सम नंबर 10। सम नंबर 10 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो हमारा पहला नंबर है 4 डिजिट का है, तो हमें इसे इस तरह लिखना है। यूनिट 10, 100, 1000, 6429। फिर हमें मल्टीप्लाई का साइन डालना है और 3 डिजिट का नंबर है यूनिट 10, 100। ये हो गया इस तरह का हमने लिखा जो। फिर हमें स्टेप वन लिखना है। स्टेप वन में आपको क्या करना है, यूनिट 10, 100, 1000 हो गया, 6429। देन आपको क्या करना है, 509। फिर आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डालना है। ये हो गया। अभी आपको स्टेप टू में क्या करना है, स्टेप टू में आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। 9 टेबल ऑफ 9 को 4 टाइम्स लर्न करना है, वो भी अलग अलग नंबर से। तो यहाँ पे मैं आपको रफ वर्क बता रही हूँ। फोर टाइम्स लर्न करना है। 9 9 ज़ा 2 ज़ा 4 ज़ा 6 ज़ा 9 9 ज़ा 81 होता है, जैसे यूनिट और टेंस। आपको 1 यहाँ लिखना है, 8 यहाँ पे ऊपर लिखना है। 8 9 2 ज़ा 18 होता है। 18 प्लस 8 कितना होता है बच्चों, 26। ये हो गया। तो यहाँ पे हमें यूनिट और टेंस लिखना है। यूनिट और टेंस लिखा, 6 यहाँ पे लिखा, 2 आपने ऊपर कैरी किया। अभी 9 4 ज़ा आपको लर्न करना है। 9 4 ज़ा 36 प्लस 2 38। यूनिट 10 मीन्स 8 यहाँ, 3 ऊपर। 9 6 ज़ा 54 प्लस 3 57 हो गया। तो ये हो गया। अभी हम सेकंड मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 0 लिखना है यहाँ पे। जैसे 0 या आप मल्टीप्लाई का साइन भी डाल सकते हो, इट्स अप टू यू। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, टेबल ऑफ 0, 0 को मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स। आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से करना है, और 4 से करना है, और 6 से करना है। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। जैसे 0 को हम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0 0 0। तो ये हो गया हमारा 40। ये हो गया। अभी हम सेकंड मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं, हम थर्ड टाइम मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। तो आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन 2 टाइम सेट करना होगा। यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन दिखा रही हूँ ताकि आपको इसलिए समझ में आए। तो यहाँ पे आपको टेबल ऑफ 5 को 4 टाइम्स लर्न करना है, वो भी अलग अलग नंबर से। पहला नंबर हमारा 9 है, दूसरा 2 है, और देन बाद में 4 है, देन लास्ट में क्या है, 6 है। ये हो गया। 5 9 ज़ा 45। अभी यूनिट और टेंस हो गया। जैसे 5 वाला नंबर हमने नीचे लिखा और 4 वाला नंबर हमें ऊपर लिखना है। ये हो गया। 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 4 कितना होता है, 14। यूनिट और टेंस, 4 हमने यहाँ लिखा, 1 ऊपर हमने कैरी किया। ये हो गया। 5 4 ज़ा कितना होता है बच्चों, 20। और 20 में जो हमारा कैरी वाला नंबर है 1, उसे प्लस करना है, तो 21 हो गया। 1 हमने यहाँ पे लिखा और 2 हमने ऊपर कैरी किया। ये हो गया। अभी 5 6 ज़ा 30, जैसे हमें 2 को प्लस करना है, तो यहाँ हमारा जो आंसर है 32 हो गया। जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आपको यहाँ पे 32 लिख देना है। अभी लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, एडिशन। तो आपको कैसे एडिशन करना है, 1 6 13। तो आपका आंसर क्या है,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शीट का आंसर आया है, तो आपको यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh बहुत बड़ा आंसर आया है। तो आपको कैसे लिखना है, 3, 2, 7, 2, 3, 61 32,72,361 ये आपका आंसर आया है। तो आई होप जो आज का जो सम है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।